तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम लोग क्लब महिंद्रा वारका से निकल रहे हैं अगोरा फोर्ट गोवा जाने के लिए, जो कि खासकर दिल चाहता है मूवी के बाद बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका है और ये स्ट्रैटेजिकली भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सो ये हम पहुंच चुके हैं फोर्ट अगोरा और ये देखें जस्ट ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के अंडर ये आता है। ये एक हेरिटेज मॉन्यूमेंट है और ये यहाँ पे टिकट काउंटर्स है जिसके कि चार्जेस अप्रॉक्सीमेटली आपको 25 रुपये वो इंडियन सिटीजन्स और जो भी विदेशी हैं जो फॉरेन सिटीजन्स के लिए 300 रुपये देना होता है और ये 15 साल के आयु के ऊपर सभी के लिए को एडल्ट माना जाता है। ये रहा हमारा टिकट और ये बहुत ही नेशनल इंपॉर्टेंस का मॉन्यूमेंट है ये गोवा का। ये एक समय का बहुत ही पुराना, देखिए अपर फोर्ट जो अगोरा का है उसका ये यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और एक समय में ये ऑलमोस्ट 17th century का बना हुआ मॉन्यूमेंट है। यहाँ से ये डचिस के अगेंस्ट, डच लोगों के अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करने के लिए था। ये देखिए साइड में चारों तरफ वाटर बॉडीज पहले ये हुआ करती थी ताकि लोग कोई किले के अंदर आसानी से भेद ना पाए और ये दक्षिण साइड में कंडोलियम बीच के ये फोर्ट बसा है। और ये देखिए एंट्री आप सीढ़ी से भी जा सकते हैं बट हम लोग राइट टर्न लिए, जहाँ पे चढ़ना कम पड़ता है उतरेंगे इसी सीढ़ी से। तो आपको मैं यहाँ के बारे में बता रहा था कि यहाँ पर देखिए बहुत सारे मंडोवी रिवर है जिसके ऊपर की जिसके किनारे पे शोर पर यह फोर्ट बसा है और यहाँ पर चूँकि बहुत ही फ्रेश वाटर का एक स्प्रिंग है जिसकी वजह से पहले भी लोग यहाँ पे एक हॉल्ट करते थे जब शिप से लोग यहाँ से इधर से उधर जाते थे और वहाँ पे उनको फ्रेश पानिया मिलती थी। यहाँ पे ये बहुत बड़ा पोर्चुगीज़ का एक एरिया था जो कि वो एरिया अपना जो भी ट्रांसपोर्टेशन शिप को अपने सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से रख के रखा था। और ये देखिए वही जगह है जहाँ पे दिल चाहता है मूवी में वो दिखा था, बाकी लोगों ने मछली खाकर दिखाया था। पीछे ये पूरा अरेबियन सी आपको जो दिख रहा है और यहीं से देखिए सारे जो पोर्ट्स, ये जो भी शिप्स थे पहले जो इधर से अप एंड डाउन करते थे और यहाँ पे एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट था उनका जहाँ पे कि पोर्चुगीज ने इसको ऑक्युपाई करके रखा था बहुत सालों तक। ये एरिया पोर्चुगीज के अंडर था। ये देखिए जो लाइट हाउस भी बना है उसको आगे और आपको दिखाऊंगा। तो ये हम लोग आ गए हैं उसके सामने के सेक्शन में जहाँ से हमने बेसिकली इंटर किया। ये देखिए रोड और पार्किंग और सामने में जो वाटर बॉडी में बताया कि डायरेक्ट कोई फोर्ट में नहीं आ सकता, किला पे नहीं आ सकता है। और यहाँ ये देखिए जो लाइट हाउस है ये अप्रॉक्सीमेटली ये जो बना था 25 लाख गैलन के आसपास का वाटर रिजर्वायर था। ये ऑलमोस्ट 25 लाख गैलन। और ये एशिया का कुछ साल पहले तक सबसे बड़ा स्टोरेज वाटर था, जो फ्रेश वाटर स्टोरेज था ये। तो ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट है गोवा का। ये देखिए यहाँ से भी आपको व्यू दिखा दूँ अरेबियन सी का। धूप बहुत कड़ी होती है, धूप बहुत ही ज़्यादा कड़ी है बट अच्छी हवा चलती रहती है और आपको ये व्यू बहुत सुंदर है। देखिए यहाँ से भी पूरा आपको ये अरेबियन सी का व्यू है और जस्ट अब यहाँ से हम जैसे लाइट हाउस के सामने से टर्न करते हैं, देखिए ये तो इन सी होते हुए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ से जिस सीढ़ी से हम दिखाया था वो शुरू में चढ़ रहे थे हम सेम सीढ़ी से उतर सकते हैं। तो क्या है कि उतरने में आपको फील कम होगा बिकॉज सीढ़ियाँ की हाइट्स बहुत, पुराने समय की सीढ़ियाँ सीढ़ियों की हाइट्स बहुत ज़्यादा है। वैसे साइड में रेलिंग्स है बस चढ़ने से ईजी है उतरना, तो आप नीचे से चले जाइए उसके बाद ऊपर से उतरिए। और ये रही इतनी हैट लगाकर प्रानवी, शी इज एंजॉयिंग इन द कार। बाय, थैंक यू।